हेलो गाइस, वेलकम अगेन। डे 3 मनाली का। आज अभी सुबह के बजे हैं 4 और यहाँ पे पूरा दिन है। हम निकल आए रोहतांग पास के लिए। जिसका डर था वही हुआ, जाम लग गया। और देखो आधा घंटा हो गया खड़े हुए को। इस पे यही होता है, अगर खूबसूरती देख रही है ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। थको यहाँ बैठ के। नहीं दी पिछले ने नहीं दी वो सुना। चलो जी, जाम हो गया क्लियर, अप्रोच मिल गई, तो चलो। देख लो गाइस, इतनी हाइट पे इतनी ड्राइव प्रॉब्लम होती है सिर्फ इस सड़क की वजह से, रह ही नहीं पाती स्टेबल्स में। लेकिन कुछ कुछ रास्ते ठीक है। रोहतांग पास बिल्कुल सामने ही है, लेकिन कुछ जाम करके दिक्कत आ गई। ये रहा जाम, शायद क्रॉस नहीं कर पा रही गाड़ियाँ। ये देखो रोहतांग पास बिल्कुल सामने ही है, चेक करके आते हैं। लगता है कोई गाड़ी फंस गया, स्टार्ट नहीं हो रही, निकल नहीं पा रही। इन पासिस और इस रास्ते में यही दिक्कत आ रही है। रास्ता नहीं है जाने का, इसलिए दिक्कत आ रही है। बना दिया रास्ता, हो गया। बन गया पत्थर से रास्ता, बन गया। अब निकलेंगे यहाँ से, करेंगे गाड़ी साथ। तो
पत्थर डाल डाल के रास्ता बना दिया, क्योंकि बहुत हम बहुत बड़ा था, टक्कर लगती कार में दिक्कत होती, तो रास्ता बन गया। अब उसके ऊपर चढ़ेंगे तभी चलेंगे। बस मेरे ख्याल से 15-20 मिनट और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पत्थर पे चढ़ के दिक्कत बहुत होती है। ऐसा है, पत्थर पत्थर उन्होंने लगाए हैं, लेकिन जब दूसरी गाड़ी चलती है तो फिर वो पत्थर निकलने लग जाते हैं। बस अब रास्ता क्लियर हो गया है। बस ये है कि जितने भी बाकी गाड़ी वाले वो थ्रोटल कम लगाएं, ताकि जो हमने देखा ईंटें लगी हुई हैं वो गिरे ना दोबारा, तो उस हिसाब से थ्रोटल रखना पड़ेगा कि निकल जाए। कर लेगा कवर, अगर हम इस साइड से करें तो निकल सकता है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया रास्ता। अब ऊपर चलते हैं। देखो दोस्तों, इतनी सुंदर ये जर्नी है ना, इतने सुंदर दृश्य हैं। अब कितने कैप्चर कर लोगे फ़ोन के अंदर, क्योंकि एक मोड़ काटोगे तो एक नया सुंदर कुछ दिखने को मिल जाएगा, फिर एक मोड़ और काटोगे फिर कुछ नया सुंदर दिखने को मिल जाएगा। मतलब जो आँखों से हम कैप्चर कर रहे हैं वो फ़ोन पे नहीं कर पाते। ठंड है वहाँ पर, ठीक ठाक ठंड है, और लोगों को जल्दी भी है जाने की, लोग हॉर्न को बजाते हैं। तो गाइज ये एक छोटी सी एंट्री, जूते मुझे लगता है फिसलेंगे, तो पहले मैं नीचे उतर ही जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही शूट करता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल जूते चल जाते हैं, देखो ये फॉर्मल शूज़ है मेरे और मैं इसी को चला रहा हूँ, मुझे कोई ट्रैकिंग शूज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कुछ इनके जैसे कपड़े लेने की जरूरत पड़ी। ये देखो ये सूखी है, सुनो ब्लैक आइस तो है ही नहीं कि आप फिसलते रहोगे, ठीक है ये चल जाते हैं। तो चलो झटके नहीं लगेंगे। ये है व्यू यहाँ का। देखो जी अब कुछ मेन बातें, सांस की प्रॉब्लम होती है वो अलग बात है, लेकिन अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करो, सबसे अच्छा उपाय ही उसका ही है। और ज़्यादा भाग भाग के ना चलो, मेरे हिसाब से मुझे इतनी कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं ठीक हूँ। देखो अब मैं चल तो रहा हूँ, हाइट पे भी चल रहा हूँ, मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं तेज़ नहीं चल रहा, आराम से चल रहा हूँ। मैं सिर्फ पास देखने आया था, मुझे यहाँ कोई स्कीइंग का शौक नहीं है, कोई राइड का शौक नहीं है, मैं सिर्फ देखना चाहता था और कैसा है। और मेरे थ्रू जिन जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उन्होंने भी देख लिया कि अब क्या चीज़ है। मैं मोस्टली बस ये होता अपने ब्लॉग में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हाइप बनी होती ना कि ऐसा है वैसा है डेंजरस है कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद जाके देख लेता हूँ क्या क्या ऐसा है ही क्या, क्योंकि मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप लोग तो बहुत आसानी से कर सकते हो। छोटे बच्चों को मत लेके आना, गुजारिश है मेरी। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो छोटे बच्चों को लेके आए हैं और बच्चों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, ना बच्चे इंजॉय कर पा रहे हैं ना बेचारे माँ बाप इंजॉय कर पा रहे हैं। नीचे तक तो ठीक था, अब और टॉप पे जाने की बारी है, थोड़ा और टॉप पे लेके चलते हैं। सोचा कंडीशन इतनी वर्स्ट तो नहीं है, मैं सोचा कि अगर ऊपर जाते तो कुछ और टफेस्ट कंडीशन हो तो उसको फेस करते हैं। गाइज मेरे पीछे देखो, लोग सिर्फ वहीं तक ही हैं, मैं थोड़ा और ऊपर जा रहा हूँ देखने के लिए। अच्छा मैंने टॉफ़ी खाई है, मेरे को प्यास लग रही है। हाँ तो मैं ये देखने के लिए जा रहा हूँ
कि कितना और टफ हो सकता है ऑक्सीजन को लेके, चलने को लेके नहीं, ट्रैकिंग को लेके नहीं, कि कितना टफ हो सकता है। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया काफ़ी ऊपर, क्योंकि देखो बस ये लास्ट, ये इसके ऊपर जा सकते, यही एज पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हो कोई भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे। मुझे चुल मची थी कि मैंने टफेस्ट कंडीशन बेयर करनी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब बेयरेबल है, सब ओके है। तो गाइज इस वीडियो के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि इसके बाद इससे भी ज़्यादा एडवेंचरस वीडियो आने वाली है। तो मुझे लगी अब भूख, खाते हैं मैगी, पीते हैं चाय, थोड़ी सांस को रिकवर करते हैं, फिर बताते हैं कि जाना है कि रुकना है। तो अब बारी मैगी खाने की। भैया भैया कैसे हो आप, क्या हाल है आपका, क्या नाम है आपका? नेपाल से हो आप जी। मुझे एक बात बताओ जी, तो कितने महीने यहाँ पे रहते हो? रहते 3 महीने। अप डाउन फिर करते हो यहाँ से? जी अप डाउन करते, सुबह बाइक बंद कर दी। हाँ जी, वो क्यों बंद कर दी? ये पता नहीं, ये अब सरकार ने किया है, ये दुकान दुकान भी बंद करने के चक्कर पे थे, तब इतने क्लाइंट कहाँ जाएंगे, इतने टूरिस्ट लोग क्या खाएंगे। सर आपका क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम विकास ठाकुर। आपका नाम विकास ठाकुर, नेपाल से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, मजदूरी करते करते बहुत अच्छा लगा सर आपसे। तो गाइज अब हम मनाली के लिए निकल रहे हैं, रास्ते आपको क्या दिखाने अपने सब देख ले। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।